भगवते वासुदेवाय। अच्युतानंद दास समस्त जनजगत को जनई देवा को चाहूंती जे एकमात्र हरिनाम सार ए दुनिया रे आउ किसी सत्य नाही। आमे जहाँ को सत्य बोली भावुछंती, जेउ कथा को आमे जे निजर बोली भावुछंती से केबे निजर नुहंती। एठी केही कहार नुहंती, एठी समस्त स्वार्थपर। ए शरीर आसीछि एका, पुणी जीव एका। तेणु एठी केही साथी रे जिबेनी कि साथी रे किछि नै कि मध्य जिबानी। तेणु एकमात्र शेष समय रे कौन हुए ना, जेतेबेले आमे बिछणा रे सोइथिबा सेतेबेले आमे प्रभुंक सहित कथा होउथुबा। ए दुनिया रे आउ कहा कथा आमे कहा को जानि नथिबा कि चिन्ह पारु नथिबा, सेतेबेले केवल मृत्यु को अपेक्षा करिथिबा, सेही समय रे प्रभु दर्शन दउथिबे आउ प्रभुंक सहित आमे कथा होउथुबा। तेणु सेतेबेले आम पाखरे बसी जड़े कई भागवत पाठ करुथ आउसे भागवत पाठ करुथ से भागवत पाठ आम कर्ण गुहर पशुथ आते आम ये शरीर त्याग करवा से भाई माने आम पाई गोटे कोकेई तैयारी करे छखंड बाउंश कोकेई तैयारी करी से कोकेई आमको सुहाई देवे आई सर पर समस्ते भाई माने कांधेबे पुओ माने कांधेबे कांधरे कांधेइ केवल गोटे कथा कहिबे राम नाम सत्य आउ हरि नाम सत्य। तेणु जगत रे आउ किसी सत्य नाही, समस्ते केवल गोटे कथा उच्चारण करिबे राम नाम सत्य हे हरि नाम सत्य हे। एटि केवल आउ राम नाम आउ हरि नाम छड़ा आउ किसी सत्य नाही। तेणु मलाबेले आमे जदि गजदंत पलंग रे सोउथिबा ना, किंतु मला बेले छिंडा कंथा को गुड़े हेकि जीवा। जदि आमे सुना अलंकार रे छाई ही जाइथिबा केही से सुना अलंकार को आम को देकि विदा करिवेनी, तेणु ताकू मध्य ओल्लै देवे। एठी जो धन संपत्ति के आमे निजर बोली भावुछंती, ये धन संपत्ति केही निजर नुहंती। ये धन पड़िथिबो, ये संपत्ति थिबो, किंतु आमे केवल पुण्य टिकक नेकि चली जीवा। जदि पुण्य अर्जन करिथिबा सिना पुण्य को नेकि जीवा, जदि पुण्य अर्जन न करिथिबा ताले कौन नहीं कि जीवा। आमे आज ये कली जुगरे अनेक लोक अछंती, अनेक पाप करुछंती, अनेक कुकर्म करुछंती, जानी मध्य जे एक सबु पाप तथापि पाप करिबा को आगे आसुछंती। आउ शेष समय रे से पाप को ही केवल बही बही कि नहीं कि जानती, पापर गंठिली कांधरे पकई जेतेबेले बाट चलिबे। ए मणीष जेतेबेले मरी जाए, गरुड़ पुराण रे कथा अच्छी, जेतेले मनीष मरी जाए सेतेबेले ए शरीर आत्माटा को जेतेबेले काढ़ी नियंती जमराज, सेतेबेले शरीर को बहुत कष्ट होई थाए। ए शरीर को बहुत कष्ट होई थाए, आत्मा को जेतेबेले शरीर काढ़ी नहीं गले सेतेबेले कौन करती ना जमराज से ही जगह छाड़ी देकी चली जाती। आतीक कथा कहीकि जाती, रे आत्मा तू जहाँ पाई जो मानक पाई तू आज टिके पुण्य अर्जन करिपारिनु, जो मानक पाई तू समय गुड़िक बीतई देछु व्यर्थ करि देछु समय गुड़िक, जो पुओ मो झियो मो नाती मो नातुणी, तेणु एई मानक पाई तू केवल समय गुड़िक व्यर्थ करि देछु ना। तेणु तत्ते मु छाड़ी देकी जाउछि रे आत्मा, तत्ते मु एटी छाड़ी देकी जाउछि तो पुओ नाती नातुणी माने कि तो झियो माने से माने जहाँ पाई तू एते समय सब व्यर्थ करितिलु से माने तते कि पुण्यर गंठिली देबे आउ सेई पुण्यर गंठिली नै तू जीवु एकादश मध्यरात्रे प्रेत जामती जमालय एकादश दिन आसिबु सेई दिन मध्यरात्रे तते आमे नै कि जीवु साथीरे नै कि जीवु आउ तू कि पुण्य सब गंठिली रे बांधी कि जीवु से कथा आमे देखिबु। तेणु जमराज छाड़ी देकि जानती से आत्मा को आउ जेतेबेले एकादश दिन हुए सेई दिन आसंती समस्त देवता माने जमराज जमगण सब आसंती सेतेबेले से आत्मा को नबा पाई। आउ सेई दिन आमे कौन करंती ना ज्ञाति भोजन करंती, काले आम बापा आम पाई तो सब समय कटि देछंती, आम पाई सब किछि त्याग करि देछंती, किछि पुण्य अर्जन करि नाहंती, जदिबा
आमे किसी दान पुण्य करी अन्न जल वस्त्र आदि दान पुण्य करी जदि आम पिता किसी पुण्य आम गंठिली बांधि दे पारिबा ताहले ए आम पाई निश्चित तो सौभाग्यर कथा हबो। तेणु पुओ नाती माने कौन करंती ना ज्ञाति भोजन करंती ब्राह्मण को दान दियंती दक्षिणा दियंती कहीं आम पिता जमी सबकि पुण्य पुण्य मिल जाव पुण्यर गंठुली नहीं कि पिता जी तेणु से दिन आम पिंडदान करती से पिंडटी को नहीं आत्मा गंठिली बांधि तार चलवाक आरंभ कै कौटिक चले ना षोलटा पुर अतिक्रम कै षोलपुर अतिक्रम कले जमपुर प्रवेश कर तेणु से षोलपुरटा को अतिक्रम करने को प्रथम जिते आम गोटे नर्कपुर पहुँचवा प्रथम नर्कपुर सेत गोटे पचा सढ़ा मंस गोटे नदी बही जाऊ भितर दुर्गंध भासी आसुव से नदी की पार हवा को हेले आम पाखे पुण्य बल दरकार से पुण्य जदि आम गंठिली थी जे देखा जीवो आर केते पुण्य अच्छी ये नदी पार हवा को हेले यार पुण्य बल अच्छी कि ना से देखनी ये टंका आनी कि ना सुना आनी कि ना धन आनी कि ना संपत्ति के आनी कि ना से पैसा लोड़ा ना से दरकार पुण्य धर्म करी कि ना पुण्य करी कि ना तेणु जदि किसी पुण्य करी जदि हरिनाम को धरु था सदा सर्वदा धरी किसी पुण्य करी कहा मन में दुख दे ना क्या कष्ट न था पुण्य जदि टिकक रही थाए तापाई गोटे से नदी गोटे स्वतंत्र नौका आसव सेपटू गोटे नौका आसव आई नौका बसी से आर पारिक चली जदि बा से पुण्य किसी ना तो नाउरिया कौन कर डा आसवन से जड़े घाटिया बसी जे आर पुण्य बल देखापी आर के पुण्य अच्छी तेणु जदि पुण्य ना जमी आम डा घाटे पहुँचले आमको घाटिया पैसा मागती जे पैसा दि डा पारि हम नदी पारि हम जदि ते पैसा दि तेणु आम पैसा दे कि नदी पार हूँ सेमती जड़े घाटिया बसी से घाट जगिक बसी तू पुण्य आनीचु के पुण्य आनीचु दे तेणु जदि आम से पुण्य नहीं तेल सी आमपाई नौकाटी नौकर बसई आमको से पारिक नहीं जीव आदि आमर पुण्य बल नाले आमको से पचा सढ़ा भितर पशि से दुर्गंध पचि जा मांस रक्त जुड़ुबुड़ होमें जापटे पहुँचवा बहुत कष्ट सही केते रक्त पी जाऊ केते कफ पी जाऊ केते कौन हो जाऊ दुर्गंधर नाक फाटी पड़ा भितर पारि होमको जवाक पड़ो तेणु जदि पुण्य थाए ताहले ये धन सम्पत्तिर आवश्यकता नहीं ये मनीष जन्म पाई धन सम्पत्तिर आवश्यकता नहीं जदि बा अच्छी निश्चित खाद्य पानीय बासगृह एतिकले हो गला तेणु आज सुंदर कथा अच्युतानंद दास लिखिंट तांको हरिवंश माध्यम तेणु ये केवल पुण्य बल अच्छी केवल जदि पुण्य करवा धर्म करवा न्याय करवा ताहले जाई आमे से भव सागर मुक्ति होगा आउ कौन कहते अच्युतानंद प्राण प्रयाण समय हरि नाम सखा ये संसार समुद्र को हरि नाम नौका ये संसार समुद्र को हरि नाम नौका ये संसार समुद्र को हरि नाम नौका मन वचन रे हरि नाम सुमरते अचला लक्ष्मी भूजी से चले स्वर्ग पते गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गुणवंत पुण्यवंत अटंती जे नरे अहनिशी हरि नाम चिंतंती मनरे अहनिशी हरि नाम चिंतंती मनरे अहनिशी हरि नाम चिंतंती मनरे पवित्र गंगा जल जे सुधामय रस हरि कीर्तन करी से हरि नाम घोष हरि कीर्तन करी से हरि नाम घोष हरि कीर्तन करी से हरि नाम घोष तेणु एबे ठारु
एबेठारु सतर्क हो जातु आज्ञा जे किसी पुण्य अर्जन करने चेष्टा करतु। धर्म पुण्य या केवल एतिकी केवल आम साथी नहीं जीवा ना टंका नवा ना धन संपत्ति नवा ना ये जमी बाड़ी नवा। आजिकल देखु थे आज्ञा ये जमी बाड़ी निज निज भितर कलह सृष्टि हो भाई भाई भितर हणा कटा चली। तेणु आम मनीष ही आम भितर एत ज्ञान थी आम कौन बुझुं आम कौन जानूं कहीं हिंसा कहीं गर्व कहीं अहंकार कहीं लोभ। तेणु अच्युतानंद दास सुंदर भाव में लिखिं हरिनाम केवल अचलाचल संपत्ति हम आउ से संपत्ति कौ प्रकार संपत्ति ना से हूँ पुण्यर संपत्ति से हूँ धर्मर संपत्ति। तेणु आज अचलाचल संपत्ति अर्जन करने चेष्टा करूँ ये टंका सुना ये अचलाचल संपत्ति नुह पुण्य बल हूँ आमर अचलाचल संपत्ति। तेणु जी जी पुण्य अर्जन करनी तेणु धनी से ही मानक जो माने अचलाचल पुण्यर संपत्ति को अर्जन करा सुना ये जहाँ जी अर्जन करें ये अचलाचल संपत्ति अर्जन करी। अच्युतानंद दास सुंदर कथा कहते जो माने हरिनाम सदा सर्वदा भजन करूँ संसार सुख दुख को बुझुं दुखीटीए देखिले आखिरु तांकर लुह झरी जाउची दुखीटिया को देखिले साहाज्य करिबा इच्छा बढ़ुची आउ समस्त को जीवजगत को हरिनाम बांटी दौंती जे केवल हरिनाम ही सत्य ए कथा केवल कही बुलुंट से होती बड़ धनी आउ तांक छड़ा धनी कई नहांती आउ समस्ते होती गरीब जहार जिते धन अच्छी से गरीब जहार जिते धन अचलाचल चल संपत्ति अच्छी से दुखी दरिद्र कहीं से समय गुड़िक सब व्यर्थ कर केवल यही संपत्ति को ठूल कर संपत्ति मान को ठूल कर समय व्यर्थ कर किंतु जो माने पुण्यर संपत्ति अर्जन करके भी समय दे प्रभु पाखे जी समय दे दुखी रखी पाखे से ही समय तांकर पुण्य पलटि आई पुण्य टिकरक से बढ़ई चली। तेणु तांकर अचलाचल संपत्ति बढ़ी चली अचला लक्ष्मी लक्ष्मी से ही विराजमान कर तेणु अचलाचल संपत्ति कथा कहते आज अच्युतानंद दास जे अचलाचल संपत्ति कौन समस्ते कहती आ पाखे अचलाचल संपत्ति अच्छी जे टंका सुना गाड़ी मोटर जहाँ पाखे जिते अच्छी समस्ते भावती से होती धनी व्यक्ति किंतु नाई ये अच्युतानंद दास कहते से केवे धनी हो पारे ना ताखे अचलाचल संपत्ति ना जो माने गोटी गोटी करी पुण्य को साउटी जड़े गरीब दुखी टीए खाइबाकु पाउनी ताकु किसी खाइबाकु दौंती जड़े असहाय को सहाय साहा होउचंती आउ कहा मनरे दुख देई नाहंती जीवरे सदा सर्वदा दया करिसंती तेणु से माने ही धनी व्यक्ति आउ से मानक पाखरे अचलाचल संपत्ति अच्छी। तेणु से मानक धनी कहवा आपे से प्रभु भासंती आगे जहा जा करे पत्र घेनी मुही लेखु ताईता गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन जन्म मूर्ख मुन जाने विद्या गती चल रे जने नौका आतजात होती चल रे जने नौका आतजात होती चल रे जने नौका आतजात होती। तेणु आज कवि अच्युतानंद दास कहते हे प्रभु हे नारायण यही हरिनाम को मु श्रेष्ठ बोली भाभी आउ ये हरिनाम धरी मु केते पुण्य अर्जन करी मु जानी प्रभु किंतु आपण कथा को लेखिबा पाई जो मो भितर शक्ति आपण आउ जेते बड़े लेखनिकटी को नहीं लेखिबा को बसुची सेते बड़े
ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ କଣ୍ଠରେ ବସି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ପୁରାଣ ଏ ହରି କଥା ଆଜି ଜନଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଜନଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏ ଜନଜଗତରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମୁନି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ମୋର ବିଜ୍ଞ ଜନ, ଯଦି ଏ ହରିବଂଶ ଲେଖନୀରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ପଣ୍ଡିତେ ଯେ ଉପହାସ ନ କରିବ ମୋତେ, କରପତ୍ର ଜଣି ମୁଇଁ ମାଗୁଅଛି ଏତେ, କରପତ୍ର ଜଣି ମୁଇଁ ମାଗୁଅଛି ଏତେ, କରପତ୍ର ଜଣି ମୁଇଁ ମାଗୁଅଛି ଏତେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦେ ପଡ଼ୁ ମୋର ମାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଲେଖଇ ହରିଙ୍କର ଗୀତ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଲେଖଇ ହରିଙ୍କର ଗୀତ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଲେଖଇ ହରିଙ୍କର ଗୀତ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏ ସମସ୍ତ ଜନଜଗତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଭାବୁକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା, ମୋ ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବା କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷିତ ସୁକମୁନିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁକମୁନି ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହ୍ରଦ ନଦ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଏ ଅରଣ୍ୟ ଏତେ ସବୁ ପାରି ହେଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଉଛି, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରହି କ'ଣ କଲେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମୋତେ ଟିକେ ହରି କଥା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ କଣ୍ଟା ଏ ଝଟା ଏ ନଦ ନଦୀ ଏ କିଛି ବି ମାନନ୍ତିନି, ଏ ପର୍ବତ ଏ କିଛି ନ ମାନି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଧାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସାନ୍ଦିପନି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯିବା ବାଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ବଳ ଅନେକ, ସେମାନେ କେତେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରି ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତେଣୁ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରଭୁ କିଡ଼େ ଦୟାଳୁ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ କଣ୍ଟା ଝଟାରେ ପଶି ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଜେ କଣ୍ଟା ଝଟାରେ ପଶି ବଣ ନଦ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ। ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଲେ ବୈଷମ୍ପାୟନ ଋଷିଙ୍କୁ, ଆଉ ବୈଷମ୍ପାୟନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି, ତେଣୁ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମୋର। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ପଟେ ଦେଇ ଯିବେ ସାନ୍ଦିପନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ତେଣୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବୈଷମ୍ପାୟନକୁ ବିଦା ଦେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ କୁଟୀରରେ। ଯେତେବେଳେ ବେଦବ୍ୟାସ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାରଧାର ଲୁହ ବହିଯାଇଛି, ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଭାବର ଭକ୍ତିର ଲୁହ ବହିଯାଇଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ବେଦବ୍ୟାସ,
आज तुम सानिध्य लाभ करने मुते बाटर धाई आसी तेणु तुम्हें कौन तुम कुटीर भितर को मत डाकबनी। आज व्यासदेव कहते प्रभु मु तो अपेक्षा कर रही आपड़ के मो कुटीर भितर प्रवेश करेंगे तेणु प्रथम कुटीर भितर को नहीं पाद प्रक्षालन कर पादर उदक को गर्भ को क्षेपण करी सुगंध चंदन दे पुष्पहार दे आज प्रभु को निमंत्रण कले निमंत्रण कला कुटीर भितर को नहीं जाऊंट प्रभु को व्यास कूट काया जान अटई जे स्थान से स्थान रे विजे कले राम भगवान से स्थान रे विजे कले राम भगवान से स्थान रे विजे कले राम भगवान से स्थान रो परिमल देखी प्रशंसिले अमर बार सती से भितरे पशिले गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन आग को देखा जाउची छोटिया कुटीर टी आउ से कुटीर भितरे प्रवेश करी जेतेले प्रभुंकर पाद प्रक्षालन कले प्रभुंकर पाद प्रक्षालन करी प्रभु को नाना विद्य सुगंध चंदन रे मंडी एथर व्यासदेव भितर को नहीं जाऊँचे भितर पुर को नहीं जाऊँगी आश्चर्य चकित हो जाती प्रभु कृष्ण बलराम आहा जेमिति अमर बारस्वती पुर जेमिति इंद्र भुवन इंद्रपुर जेमिति व्यासदेव पुर ठारु कम पड़ीजिबो एते सुंदर भावरे आगरे गोटे छोटिया कुटीर केही जानी पारिवेनी जे या भितरी एते सब अच्छी बोली बारस्वती पुर भली पुर जेमिति लागुची प्रभु जेतेबेले जाई पहुँची जाइछंती सेतेले जेमिति लागिला जेमिति बारस्वती पुर रे अछंती जेमिति अमरपुर रे अछंती जेमिति स्वर्गपुर रे इंद्र भुवन रे अछंती जेमिति वैकुंठपुर जेमिति चौदह ब्रह्मांड ये चौदह ब्रह्मांड ता भितरे समाहित अच्छी जितेबेले सब देखिदेले आनंद गदगद हो जाऊ व्यासदेव मुह को चाहती हे व्यासदेव ये कौन मु देखुची ये चौदह ब्रह्मांड जमी या भितर समाहित हो सबुर प्रश्न आज पचार व्यासदेव को तेणु व्यासदेव प्रभु प्रश्नर उत्तर में कौन कहते सुंदर कथा जाणी परवर्ती अध्याय आज तो समय हो जाणी की विराम दवा टी प्रभु नाम संकीर्तन कर आज कार्यक्रम को समाप्त करवा भज भज रे भज भजरे भजरे मन राधा गोविंद 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 जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद भज भजरे भज भजरे भजरे मन राधा गोविंद भज भजरे भजरे मन राधा गोविंद भज भजरे भजरे मन राधा गोविंद भज भजरे भजरे मन